गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 में कल हम लोग जो चैप्टर शुरू किया था, हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया उसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कल मैंने आपको कई तरह की विमाओं के ऊपर आधारित, यानी कि चार तरह की विमाएं, शून्य विमीय, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बताया था। उनके एग्जांपल्स भी दिए थे। उन्हें शून्य विमीय, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय क्यों कहते हैं यह भी बताया था, और त्रिविमीय आकृति के कुछ सूत्र बताए थे जिनमें घनाभ और घन था। घनाभ और घन के एक बार सूत्र फिर रिवाइज करवा देता हूं। घनाभ का, घनाभ को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण, ये चार सूत्र आपको आने चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSA, ये होगा टू। आप कैपिटल या स्मॉल कोई भी लेटर काम में ले सकते हैं, लेकिन जो एक बार लिया है काम में पूरे सूत्र में फिर वही काम आएगा, बड़ा अल्फाबेट या छोटा अल्फाबेट, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, LSA। यह होता है 2HL+B। आयतन यानी कि वॉल्यूम L×B×H, और विकर्ण की लंबाई होती है √L²+B²+H²। ये सभी सूत्र हमारे घनाभ के लिए है। अब है घन के लिए। घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। अगर घन की भुजा को a माने तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6A²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4A²। आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा 1³, और विकर्ण की लंबाई होगी √3A। ध्यान रहे अंडर रूट का निशान केवल 3 पर रहेगा, यह डायगोनल होगा। यह सूत्र कल मैंने आपको बताए थे। यहां पर L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई, यहां पर A है घन की भुजा। ठीक। अब है प्रश्न संख्या 1, प्रश्नावली 16.1। एक घनाभ की
लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको घनाभ का निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 12 × 9, 9 × 5, 5 × 12, तो क्या आएगा 12 × 9 108, 9 × 5 45, 12 × 5 60, यह आया 2 × 100 और 100 213, यानी कि 426 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को कहीं निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। आयतन, आयतन का सूत्र बोलिए, L × B × H, अर्थात 12 × 9 = 5 बराबर 12 × 5 = 60, 9 × 6 = 54, 540 घन सेमी। ये हमारे उत्तर रहेंगे। पुरानी किताबों में दोनों में करेक्शन है उत्तरों में, यह 416 जो है इसको 426 कर देगा, और यहां वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है आयतन को, इसको घन सेंटीमीटर कर देगा। सवाल नंबर दूसरा, इस बार कोर्स में से हट गया, एक घन एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने संबंधी सवाल कोर्स में से हट गए। अगला देखिए, एक संदूक की माप, तीसरा सवाल 16.1, आप लोग स्वयं करेंगे। एक संदूक की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। जब आप संदूक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और संदूक की माप बोलेंगे तो इसको लिखेंगे 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी, ये माप कहलाएगा। ठीक, संदूक का कवर बनाने में कितना कपड़ा आवश्यक है, संदूक का कवर बनाने में आवश्यक कपड़ा क्या होगा, संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब आप निकाल लेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया। जब कभी भी किसी संदूक पर अटैची पर कपड़ा चढ़ाया जाए, अलमारी पर पेंट किया जाए, टंकी में प्लास्टर किया जाए, कमरे की पुताई की जाए, कहीं पर भी रंग पेंट किया जाए, तो आप निकालेंगे एक क्षेत्रफल। ओके, और इस कमरे में कितनी हवा है, बाल्टी में कितना पानी है, फुटबॉल में कितनी हवा है, कंचे में कितना मेटीरियल है,
चांदी की सिल्ली में कितनी चांदी है, इसके लिए निकालेंगे पहले आयतन। ओके, सवाल नंबर चार, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का है, बताओ घन का पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है नहीं होता है, तो आप लिखेंगे घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह आपको दिया हुआ है, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर का, इस घन को आधार के समांतर काटा जाता है, आधार के समांतर काटा जाता है, और दो बराबर भाग बनाए जाते हैं, दो बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, तो इस प्रकार प्रत्येक भाग की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको ज्ञात करना है प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए घन का पृष्ठ क्या होता है, वर्ग कैसा होता है, वर्गाकार, वर्गाकार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात यदि घन की भुजा माना a सेंटीमीटर है तो इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, अतः घन की भुजा, अतः घन की या वर्गाकार पृष्ठ की, एक ही बात है, वर्गाकार पृष्ठ की भुजा a बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्या किया हमने, वर्गमूल लेने पर, क्षेत्रफल के सवालों में और ऊंचाई और दूरी के सवालों में जब भी आप वर्गमूल लेंगे तो संख्या के मान में प्लस माइनस का चिन्ह यूज नहीं करते हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह अग्रहणीय है। अब आपके पास घन की भुजा आ गई, यह घन का वर्गाकार पृष्ठ है यह दीवार, तो इसकी जो भुजा होगी वही घन की भुजा होगी, घन को बीच में से, बीचों बीच में से चीरा गया और दो भाग बना दिया, मान लो आपके पास कैरम खेलने वाला पास आया, उस पासे को बीचों बीच में से काट दिया, तो अब क्या बने, दो घना, तो आप लिखेंगे घन को बीचों बीच आधार के समांतर काटने पर, बने दो घनाभों में, दो समान घनाभों में, दो समान घनाभ बनेंगे क्योंकि हाइट क्या होगी,
जैसे ये वर्ग की हाइट है, तो वर्ग की तो तीनों भुजा बराबर होती है, ए इसको हमने काट दिया, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि ऊंचाई आधी हो गई। घनाभों दो दोनों समान घनाभों में प्रत्येक की लंबाई ए सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, चूंकि आधार के समांतर बीचों बीच में से काटा है इसलिए ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बने प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र बोलो, 2lb + bh + hl। तो 2l 10 × 10, bh 10 × 5, hl 5 × 10, तो 250 50, यानी कि 400 वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक। यह हुआ अपना प्रश्न संख्या 4। अब मैं आपको दो प्रश्न कर कराऊंगा क्योंकि उनमें काफी लंबा टॉपिक चलेगा और समझाने के लिए काफी टाइम चाहिए उसके लिए। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, 7वां। देखिए, 6 मीटर भुजा वाले घन, तो घन की भुजा दी हुई है, सॉरी 6 मीटर भुजा वाले, 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श वाले 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श वाले कमरे में हवा का आयतन यह आपको दिया है। एक सौ अस्सी घन मीटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो मीटर को। तो बताइए कमरे की ऊंचाई क्या है, ठीक। कमरा वाला घनाभाकार का है, आप लिखेंगे और इसमें मानने की जरूरत भी नहीं है। कमरे में हवा का आयतन, आयतन का यह सूत्र आप नोट कर लें, जो समतलीय आकृति है या रेगुलर आकृति है उनके लिए आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, यह आयतन का सूत्र है। शर्त क्या है, आधार और शीर्ष, फर्श और छत एक जैसी होनी चाहिए, ठीक। तो कमरे में हवा का आयतन हुआ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो हवा कितनी है अपनी, आधार का क्षेत्रफल बोलो ए स्क्वायर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है बराबर 180। मान रखो h बराबर
180 ए स्क्वायर 10 का वर्ग। तो बराबर 180 बटा 36, 36 पंजा 180, ठीक। अतः कमरे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर, ठीक। इसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके घर में एक पानी का टैंक है, ठीक, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। टैंकर वाला टैंकर लेकर आया और उसने पानी के कुंडे में टैंक को खाली कर दिया। आपने टैंकर वाले से पूछा कि भैया टैंकर में कितना पानी है, आपने कहा, उसने कहा मान लीजिए कि 5 घन मीटर है मेरे टैंक में पानी, 5000 लीटर, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, 5000 लीटर का टैंक है। आप कैसे चेक करेंगे कि वो वास्तव में 5000 लीटर का है या नहीं है? तो आप अपने टैंक की लंबाई नाप लेंगे, चौड़ाई नाप लेंगे, मीटर में ध्यान रहे, लंबाई नाप लेंगे, चौड़ाई नाप लेंगे, ठीक है। कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, खाली है ये नहीं नापेंगे, कितना भरा हुआ है, इन तीनों को गुणा करके अगर आपका मान 5 घन मीटर आता है तो इसका मतलब 5000 लीटर पानी है, और कम आता है तो पानी की मात्रा कम है। लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों को गुणा करें, घन मीटर में वैल्यू निकालें, और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, यह आयतन धान का संबंध है। इससे कन्वर्ट करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, 7 प्रश्न तक हम लोग पहुंचे, 2 प्रश्न मैं आपको कल कराऊंगा, कल ये प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी प्रश्नों को कीजिए और होमवर्क के प्रश्नों को होमवर्क लिख करके इस तरह से आयताकार बॉक्स में बंद कर दे, रजिस्टर एक ही रहेगा, न कोई होमवर्क और क्लास वर्क का अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाना है, एक ही रजिस्टर रहेगा। होमवर्क को इस तरह से अलग से लिख करके बता दे। धन्यवाद। घर पर रहे, सुखी रहे, सुरक्षित।